हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइज, आज के लेक्चर नंबर 26 में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो इन कंटिन्यूएशन है लेक्चर नंबर 25, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ऑर्डर है लैपिडोप्टेरा, उसमें हमने पढ़ा था कि फैमिलीज होती हैं, यानी या फिर उसके कॉमन कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे बटरफ्लाइज, मॉथ्स, स्किपर्स। ठीक है, तो हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें पढ़ा था लैपिडोप्टेरा के इंट्रोडक्शन के बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, और उसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे मैंने बताया था बटरफ्लाई, और हमने फिर बटरफ्लाई जो फैमिली है, ठीक है, उसके अंडर 5 क्लासिफिकेशन पढ़े थे। ठीक है, मतलब 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बटरफ्लाइज पढ़ी थी। उसी तरीके से आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मॉथ की फैमिली को, ठीक है, और लास्ट पढ़ेंगे स्किपर्स की फैमिली को। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, और थोड़ा सा इस तरीके से आप इसको इस लेक्चर को पढ़ना कि आपको चीज़ें बहुत ही एकदम लाइन टू लाइन याद नहीं रखनी है, लेकिन हाँ, आपको इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि आप इन इंसेक्ट से ये देख सकते हो कि कौन से इंसेक्ट कौन से क्रॉप को डैमेज करते हैं। आपने इन इंसेक्ट्स के बारे में पहले ज़रूर पढ़ा होगा, जैसे हम वाइट फ्लाइज या फिर मॉथ देखेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे इसमें कि जो कॉटन बॉलवर्म होता है, ठीक है, पिंक बॉलवर्म होता है, वो भी इसमें ही आने वाला है मॉथ फैमिलीज के अंदर में। तो इसलिए लेक्चर जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मॉथ फैमिली का सबसे पहला जो मेंबर है, या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट फैमिली जो है, वो है सबसे पहले एरेक्टिडे या फिर आर्कटिडे। ठीक है, तो इनको हम सिंपल वर्ड्स में टाइगर मॉथ्स कहते हैं। ठीक है, अगर विंग्स के बारे में बात करें तो इनके विंग्स के ऊपर आप देख रहे हो स्पॉट्स हैं, जैसे टाइगर के ऊपर हम देखते हैं धब्बा। ठीक है, या फिर स्पॉट कह सकते हैं, या फिर कलर बैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इनको हम टाइगर मॉथ्स कहते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब क्या हुआ, रात को, निशाचर, मतलब ये अगर फूड के लिए, ट्रेवल के लिए, जनरली ये रात का टाइम को प्रिफर करते हैं और लाइट के टूवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर इनके लार्वा के बारे में बात करें तो ये डेंसली हेयर हो सकते हैं, मतलब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, इनके लार्वा के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर प्रेजेंट हो सकता है, जैसे वुली बियर। ठीक है, जैसे हमने वुली बियर देखा है उस तरीके का, या फिर स्पार्सली कहने का मतलब पार्शियली कह सकते हैं, पार्शियली यानी कम हेयर भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ब्लैक हेयरी कैटरपिलर, आपने ब्लैक हेयरी कैटरपिलर देखा भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फैमिली हो गया आर्कटिडे। जो सेकेंड फैमिली है मॉथ के अंदर वो है बॉम्बी सीडे। ठीक है, बॉम्बी सीडे इसका सेकेंड फैमिली है, जिसको हम कहते हैं सिल्क वॉर्म मॉथ। ठीक है, जो सिल्क वॉर्म का जो मॉथ होता है वो इसी फैमिली के अंदर आता है। इसमें अगर हम बात करें इनके एंटीना के बारे में, सबसे पहले स्पेशल कैरेक्टर है, तो आप इसमें एंटीना देख रहे हो, इसको अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आप इसके एंटीनास को देखो, इसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे आप अच्छे देखोगे तो इनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है, और इस तरीके के एंटीना को हम कहते हैं पेक्टिनेट। ठीक है, तो पेक्टिनेट क्या है, हेयर्स है, जैसे हम देखते हैं ना कंगी, कॉम्ब। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या होते हैं, ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही, लेकिन यहाँ पे बाईपेक्टिनेट मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है बाईपेक्टिनेट। बाईपेक्टिनेट क्या है, एक जो सॉफ्ट है, यानी एक जो एंटीना निकला हुआ है उसके दोनों साइड जो होगा क्या होगा, ये कॉम लाइक हेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाईपेक्टिनेट। लार्वा के बारे में बात करें तो इनके ऊपर, लार्वा के ऊपर टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि टफ्ट ऑफ हेयर जो है, टफ्ट मतलब क्या हुआ, गुच्छा। ठीक है, जिनके साथ साथ क्या होता है, डॉर्सल हॉर्न भी प्रेजेंट होता है ऑन दी 8th एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, तो ये लार्वा का कैरेक्टर हो गया। अगर प्यूपा के बारे में बात करें तो प्यूपेशन अकर्स इन द डेंस सिल्कन ककून, मतलब यही ककून है ना जिससे हम सिल्क लेते हैं। ठीक है, जो ककून होता है, ककून सिल्क के अंदर क्या हो जाता है, प्यूपा होता है। ठीक है, उसी को हम ककून कहते हैं, तो इसी से हम सिल्क लेते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है सिल्क वॉर्म मॉथ्स हैं। ठीक है, और प्यूपा इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। एग्जाम्पल मलबेरी सिल्क वॉर्म, हम जानते हैं मलबेरी पे ही हम सिल्क वॉर्म को क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, जो बॉम्बेक्स मूरी जो हो गया, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेचुरल सिल्क है। ठीक है, इसका जो थर्ड फैमिली है वो है कोचली डीडे। ठीक है, कोचली डीडे, स्पेलिंग है COCHLIDIDAE। इसका जो कॉमन नेम है वो है स्लग कैटरपिलर्स। इसमें आप ये जो देख रहे हो ना, ये आप जो स्टेज देख रहे हो, ये लार्वा का है। ठीक है, ये मीडियम साइज मॉथ्स होते हैं विथ स्टाउटी बिल्ड बॉडी। स्टाउटी मतलब, कहने का मतलब है स्टाउट की तरह, जैसे हाथी का सूंड होता है उसी तरीके का। ठीक है, लार्वा जो है रिजेबल्स करता है स्लग की तरह, जैसे आप देख भी रहे हो स्लग की तरह लग रहा है ये लार्वा। लार्वा जो होता है थिक होता है, शॉर्ट होता है, फ्लैशी होता है और स्टाउट होता है।
ठीक। लार्वल हेड के बारे में बात करें तो स्मॉल होगा, रीटेक्टाइल होगा। रीटेक्टाइल कहने का मतलब क्या है, जैसे अपने हेड को या फिर क्या कह सकते हैं, एक्सपेंड करता है, छोटा कर लेता है, ठीक है। जैसे हमने रीटेक्टाइल नोज देखा है किन के केस में, एलिफेंट के केस में, वैसे ही। लेग के बारे में बात करें तो जो थोरेसिक लेग है वो छोटे छोटे होते हैं। एब्डोमिनल सेगमेंट जो होते हैं इनडिस्टिंक्ट, एब्डोमेन पे जो सेगमेंट है उसको आप बाहर से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। प्रो लेग्स के बारे में बात करें तो वो एब्सेंट होते हैं इसमें। पॉइजनस हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी पे, ठीक है, इनके बॉडी पे पॉइजनस हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्रिकेटिंग हेयर्स, ठीक है। अगर हम बात करें प्यूपा के बारे में तो प्यूपा ककून बनाता है हेमिस्फेरिकल विथ यूट्रिकेटिंग हेयर्स, इन पे भी यूट्रिकेटिंग हेयर्स होता है। मतलब आप देखो ये यूट्रिकेटिंग हेयर्स क्या है, ये पॉइजनस हेयर्स हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो लार्वा और प्यूपा दोनों कवर होते हैं पॉइजनस हेयर्स से। एग्जाम्पल हो गया कैस्टर स्लग कैटरपिलर, आप इसके ऊपर देख सकते हो उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है जो कि पॉइजनस होती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है यानी नाइन्थ नंबर, ये मैंने नाइन्थ इसलिए दिया है क्योंकि हम फिफ्थ तक तो पढ़ के आए हैं बटरफ्लाई की फैमिली में और हमने सिक्स से स्टार्ट किया है मॉथ फैमिली। तो मॉथ फैमिली में जो फोर्थ है यानी नाइन्थ नंबर क्रैम्बिडे, इसको हम लोग कहते हैं ग्रास मॉथ, ठीक है। इसमें देखेंगे तो लैबियल प्रेजेंट्स आर एक्सटेंडेड, ठीक है। अब ये लैबियल पैल्प्स क्या होता है, लैबिया एक पार्ट होता है इंसेक्ट के माउथ का और उसमें एक्सटेंशन होता है जिसको हम लोग पैल्प्स कहते हैं, ठीक है। लैबिया का जो एक्सटेंशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैल्प्स कहते हैं, लैबियल पैल्प्स कहते हैं। तो इनमें लैबियल पैल्प्स जो होता है एक्सटेंडेड होता है। आप यहाँ पे देखो इनके माउथ पे, ये जो सेंटर पे है इनके लैबियल पैल्प्स जो है वो एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। फोर विंग्स नैरो होता है, ठीक, नैरो आप देख रहे हो, पतली सी है, इलोंगेटेड है, रैप्ड अराउंड द बॉडी एट रेस्ट। अगर इंसेक्ट रेस्ट पे, रेस्ट कंडीशन में, तो रैप्ड बॉडी को चारों तरफ से घेर लेता है। लार्वा बोर्स इनटू रूट स्टेम्स और क्राउन ऑफ ग्रामनीशियस प्लांट, भी ग्राम, जो भी ग्राम फैमिली वाले प्लांट हैं वो उनके रूट में, स्टेम में और क्राउन रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें इनके एग्जांपल का तो सॉर्गम स्टेम बोरर इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट फैमिली है वो है गैलेचिडे, स्पेलिंग है GELECHIIDAE, ठीक है। इनमें अगर हम कैरेक्टर वाइज बात करें तो इनका जो फोर विंग्स होता है ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है, ठीक है। अब देखो ये जो फोर विंग है इसका शेप देखो, ट्रेपेजॉइड शेप कैसा होता है, देखो इस तरीके को शेप को हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है इनके इनके विंग्स का, ठीक है, फोर विंग्स का, ठीक है। और जो फोर विंग्स होते हैं ये नैरोअर देन हाइंड विंग्स होते हैं, ठीक। वन मिनट, कैटरपिलर्स के बारे में बात करें तो कैटरपिलर्स बोर इनटू द सीड ट्यूबर्स एंड लीव्स, इसका एग्जांपल क्या है, कॉटन पिंक बॉलवर्म, मैंने बोला था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जियोमेट्रीडे 11th नंबर जो फैमिली है और इसमें अगर हम बात करें तो 6th नंबर फैमिली है मॉथ में, वो है जियोमेट्रीडे। इनका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है लूपर्स। लूपर्स क्या होता है, लूपर्स ऐसे लार्वा होते हैं जो अपने बॉडी को ट्रेवल करते टाइम या चलते टाइम लूप बनाते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं लूपर्स। तो इनमें अगर हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो बोथ पेयर ऑफ विंग्स आर एंगुलर एंड थिन, ठीक है। इनके जो फोर विंग्स हैं और जो हैंड विंग्स हैं वो दोनों पे जो हैं एंगुलर होते हैं और थिन होते हैं, पतले होते हैं। लार्वा नेकेड इलोंगेट एंड प्रोटेक्टिव रिजेंबल्स टू ट्विग्स और स्टेम्स, कहने का मतलब है जो लार्वा होते हैं नेकेड है, इलोंगेटेड है, तो इसलिए अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए वो ट्विग्स और स्टेम्स के सहारा लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोलेक्स अगर बात करें तो टू पेयर्स प्रेजेंट इन द सिक्स्थ एंड द टेंथ सेगमेंट, और कौन से, एब्डोमेन के। इट वर्क्स बाय ड्रॉइंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी क्लोज टू द थोरेक्स, द बॉडी फॉर्मिंग अ लूप, कहने मतलब है मान लो ये लंबा सा लूपर है, ठीक है, लार्वा है, तो अपने बॉडी के पीछे वाले पार्ट को क्या करता है, खींच के पोस्टीरियर पार्ट को जो होता है बॉडी के क्लोज लाता है थोरेक्स के पास और वो एक लूप फॉर्म करता है, इसीलिए इनके जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम लूपर्स कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंच वॉर्म, क्योंकि ये इंच इंच को कैसे कर, जब भी वो चलता है तो एक एक एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि वो लेंथ इंच वाइज चलता है, कहने का मतलब वो ऐसा लगेगा कि जैसे एक एक इंच को नापता हुआ चल रहा है, इसीलिए इनको इंच वॉर्म कहते हैं। क्योंकि मैं जैसे रीजन तो दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंच वॉर्म, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है,
मेजरिंग वॉर्म एंड अर्थ मेजर, ठीक है, इसका इंच वॉर्म भी, मेजरिंग वॉर्म भी कहते हैं और अर्थ मेजरर भी कहते हैं. एग्जाम्पल टी लूपर, ठीक है, मैंने इसका साइंटिफिक नेम दे दिया है. आप याद रखना इस PPT में मेंशन नहीं किया गया है, जितना भी साइंटिफिक नेम है ना वो इटैलिक्स में होने चाहिए थे, ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना. जो नेक्स्ट फैमिली है वो है लाइमेंटिडे, ठीक है, इसके जो मॉथ्स होते हैं वो टुसक मॉथ्स कहते हैं उनको, ठीक है, TUSSOCK मॉथ्स. इनमें जो एंटीना होता है बाइपेक्टिनेट, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है, कॉम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक जो हमारा साफ्ट है उसके दोनों तरफ इनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं. लेग्स अगर बात करें क्लॉग विथ वुली हेयर्स, इनके लेग्स के ऊपर भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. फीमेल जो है, फीमेल इज प्रोवाइडेड विद अ टफ्ट ऑफ एनल हेयर्स, इनके एनल रीजन में फीमेल के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. लार्वा इज डेंसली हेयरी, अगर इनके लार्वा के बारे में देखें, ये देखो इनका लार्वा है जो कि बहुत ज़्यादा हेयर प्रेजेंट होता है इनके ऊपर, ठीक है, ये हेयर्स इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एग्जाम्पल कैस्टर हेयरी कैटरपिलर, ठीक है, आप यहाँ पे फिर से साइंटिफिक नेम देख रहे हो, ये भी इटैलिक्स में होनी थी. अब जो नेक्स्ट है 13th नंबर, वो है नॉक ट्वीडे. ये जो फैमिली है इसका जो कॉमन मेंबर है वो है नॉक्टुआमॉथ्स, ठीक है. तो अगर इसमें हम बात करें नॉक्टुआमॉथ्स के बारे में, तो दे आर मीडियम साइज्ड एंड स्टाउटली बिल्ड मॉथ्स, ठीक है. दे आर नॉक्टर्नल, रात में निकलता है, अट्रैक्टेड टू लाइट, जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है दूसरे में भी, ठीक है. लैबियल पैल्प इज वेल डेवलप्ड, लैबिया का जो एक्सटेंशन है वो अच्छे से डेवलप होता है इन इंसेक्ट्स में. सेम साइज्ड कॉर्चेट्स ऑन द लार्वल प्रोलेक्स, कॉर्चेट्स क्या है बस ये ध्यान रखना कि वो एक्सटेंशन है जो कि कर्व्ड होता है, ठीक है, लेग्स पे हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि कर्व्ड होते हैं, अरेंज्ड इन अ सेमी सर्कल. सम लार्वा आर सेमी लूपर्स, लूपर्स कहने का मतलब है कि कंप्लीट बॉडी लूप में कन्वर्ट हो, ठीक है. सेमी लूपर कहने का मतलब है कि कंप्लीट बॉडी लूप में कन्वर्ट नहीं होता है, हाफ ऑफ द बॉडी. जैसे मान लो अगर हम लूपर्स के बारे में बात करेंगे तो लूपर्स ऐसे हो जाएंगे, इनकी ये बॉडी थी वो कंप्लीट हेड यहाँ पे है, पूरे बॉडी का लूप बनाया, यहाँ पे इनका पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है. सेमी लूपर्स यहाँ पे ऐसे है, हो सकता है हेड यहाँ से रहे, इतने ही बॉडी का लूप बने, ठीक है. तो ये लूपर्स हो गए और ये हो गए सेमी लूपर्स. आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है. तो ये हो गया नॉक्टुइडे, ठीक है. तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी कि इनका जो कुछ लार्वा होता है वो सेमिलूपर्स में होते हैं, यानी 3 or 4 पेयर्स ऑफ द प्रोलेक्स जो होते हैं वही उनके लूप बनाने में हेल्प करते हैं. लार्वा अटैक द प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट, ठीक है. लार्वा ऑफ सम स्पीसीज रिमेन कंसील्ड बीनीथ द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड और लीटर ऑन द सर्फेस ड्यूरिंग द डे, दिन भर कहाँ रहेंगे, सर्फेस ऑफ द अर्थ और द लीटर के नीचे, एंड फीड ऑन द प्लांट ड्यूरिंग नाइट, और प्लांट के ऊपर रात को चढ़ेंगे अपने खाने के लिए. तो ये इनका हो गया नॉक्टुइडे का. अब 14th नंबर पे है, सॉरी इनके और भी कैरेक्टर्स हैं. दे आर ऑफन कट स्मॉल सीडलिंग क्लोज टू द ग्राउंड एंड हेंस दे आर कॉल्ड कटवर्म्स. ये क्या करते हैं, स्मॉल सीडलिंग्स को करते हैं कट, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं कटवर्म्स. एग्जाम्पल टोबैको कटवर्म्स, ये रहे इनके इमेजेस. अब जो 14th नंबर पे है वो है पेट्रो फोरिडे. इसके जो मॉथ्स हैं उनको हम प्लूम मॉथ्स कहते हैं. दे आर स्मॉल लाइटली बिल्ड मॉथ्स, फोर विंग्स अगर बात करें तो इलोंगेट विथ 2 or 4 क्लेफ्ट और फीसर्स. इनके विंग्स में आप देखो फीसर्स है, ग्रूव्स हैं, ठीक है, तो ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है. हाइंड विंग्स हैव 3 डिविजन्स, हाइंड विंग का 3 डिवीजन है, ठीक है. लेग्स अगर बात करें तो लॉन्ग होते हैं, आप इनके लेग्स देख रहे हो लॉन्ग हैं, ठीक है, सिलेंडर हैं, आर्म्ड विथ प्रोमिनेंट टीबियल स्पर्स. स्पर्स जो होते हैं लेग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हेयर्स, ठीक है, उनको ही कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. एग्जाम्पल रेड ग्राम प्लूम मॉथ. जो 15th नंबर फैमिली है, जो 15th नंबर फैमिली है मॉथ फैमिली के, वो है पायरूस्टिडे, ठीक है. इसमें अगर हम देखें तो प्रोबोसिस इज वेस्टिजियल इन मेनी स्पीसीज, ठीक है. प्रोबोसिस क्या होता है, उनके माउथ का एक्सटेंशन है. लैबियल पैल्प इज स्नाउट लाइक, ठीक है, लैबियल पैल्प मैंने पहले बता दिया है. लार्वल हैबिट वेरीज, मे लीव अमॉन्ग एक्वेटिक प्लांट्स एंड बोर इन टू द स्टेम, रिमेन्स इन द सिल्कन वेब अमॉन्ग स्पून अप प्लांट पार्ट्स. कहने का मतलब है कि लार्वा का जो हैबिटेट है वो डिपेंड करेगा, वो वेरी करता है, ठीक है. एक्वेटिक प्लांट में भी रह सकते हैं, ये वो स्टेम में बोर करके रह सकते हैं, ठीक है. सम लार्वा आर एक्वेटिक एंड गिल ब्रीदिंग, कहने का मतलब कि उनमें गिल्स प्रेजेंट होता है फॉर रेस्पायरेशन. एग्जाम्पल जैसे देखो राइस प्लांट में हो सकता है ऐसा लार्वा, ठीक है, उसमें हम जानते हैं पूरा पडलिंग करना होता है, बहुत वाटर का रिक्वायरमेंट होता है.
एग्जाम्पल राइस स्टेम बोरर, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो इनके लार्वल स्टेज को और यहाँ पे देख रहे हो एडल्ट। अब जो 16th नंबर पे है वो है सैटूर्निडे, ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल्स उनको मून मॉथ्स कहते हैं, जैंट सिल्क वर्म मॉथ्स कहते हैं, ठीक है, दिखने में तो ये बहुत, इनके एडल्ट बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्लांट को लॉस करते हैं। दे आर लार्ज साइज मॉथ, एंटीना बाईपैक्टिनेट होता है, ठीक है, मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। ये जो मेंशन है ना, आप ये देख लेना, ये आई स्पॉट नहीं होना चाहिए था, ये है कि जो उनका विंग्स हैं उनके ऊपर आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं उनके विंग्स के ऊपर, ठीक है, नियर द सेंटर ऑफ ईच विंग द स्पॉट आर आइदर सर्कुलर, ठीक है, और क्रिसेंट शेप। लार्वा इज स्टाउट एंड स्मूथ विथ स्कोली, ककून इज डेंस एंड फर्म, ठीक है, एग्जाम्पल जो होगा तुसर सिल्क वर्म, ठीक है, ये इसका हो गया हमारा इमेज। नेक्स्ट जो 17th नंबर पे है, ठीक है, वो है स्पिंगीडे, हॉक मॉथ्स कहते हैं, ठीक है, हॉर्नवर्म्स कहते हैं, दे आर लार्ज साइज स्टाउटली बिल्ड मॉथ्स, एंटीना जो होता है थिक टुवर्ड्स मिडिल, ठीक है, इनका जो एंटीना होता है टुवर्ड्स मिडिल क्या होता है, थिक होता है, हुक्ड एट द टिप, प्रोबोसिस इज वेरी लॉन्ग, फोर विंग्स इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, हाइंड विंग्स रिड्यूस्ड विथ मतलब रिड्यूस्ड विथ के होते हैं, ठीक है। अगर बात करें इनकी फ्लाइंग कैपेसिटी के बारे में तो ये पावरफुल फ्लायर्स होते हैं। लार्वा स्मूथ विथ मिड डॉर्सल हॉर्न, यानी एनल हॉर्न भी इनमें ही प्रेजेंट होता है, जैसे हमने फीमेल के में पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, फीमेल में उनके एनल रीजन के पास हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही एनल हॉर्न से यहाँ प्रेजेंट होते हैं ऑन द 8th एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। प्यूपेशन बात करें, जब मतलब प्यूपा का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द अर्थन सेल्स, ठीक है, प्रोबोसिस में भी इंक्लोज्ड इन अ सेपरेट सीथ। मार्किंग प्रेजेंट ऑन द थोरेक्स ऑफ द एडल्ट मॉथ रिजेंबल्स ह्यूमन स्कल, ठीक है, जो थोरेक्स रीजन पे एडल्ट मॉथ के जो मार्किंग प्रेजेंट है वो ह्यूमन स्कल की तरह होता है, एग्जांपल डेथ्स हेड मॉथ, ठीक है, कंकाल के सर की तरह दिखता है ये, मतलब इनका नाम जो है उसी लिए पड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्विंगी डे है, ये यानी 17th जो हमने अभी डिस्कस किया है, यहाँ तक हमने मॉथ फैमिली डिस्कस किया, और जो लास्ट है वो स्किपर्स फैमिली। स्किपर्स में ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं जो कि कुछ देर तक फ्लाई कर पाते हैं, ठीक है, फिर उन्हें बैठना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें बस एक ही फैमिली आती है, स्किपर्स फैमिली में एक ही है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हेस्परिडे, HESPERIIDAE। इनके एंटीना जो होते हैं वाइडली सेपरेटेड एट द बेस, डायलेटेड एपिकली टू फॉर्म अ ग्रेजुअल क्लब। एंटीना अगर बात करें तो एपिकली प्रोलॉन्ग बियॉन्ड द क्लब इन टू अ हुक स्मॉल रिकर्व पॉइंट। देखो ये मैंने तो सेंटेंस पढ़ दिया, कहने का मतलब इतना ही है कि एंटीना जो है वाइडली सेपरेटेड हैं, बेस के पास से अलग ज़्यादा दूरी है उनके पास, ठीक है, डायलेटेड हैं एपिकली, मतलब जो एपिकल एंड है वहाँ पे वो क्या है, डायलेटेड है, ठीक है, और वो डायलेटेड यानी चौड़ा, तो वो एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। विंग्स के बारे में बात करें तो कंपैरेटिवली स्मॉल हैं, ऑफन जो दे हेल्ड पार्शियली ओपन एट रेस्ट, कहने का मतलब है कि स्मॉल हैं और ऑफन हेल्ड पार्शियली ओपन एट रेस्ट, ठीक है। फ्लाइट जो है वो इराटिक है एंड डार्टिंग है। लार्वा जो है उनका हेड जो होता है लार्ज होता है, कंस्ट्रिक्शन बियॉन्ड द हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है, टैपर्स टूअर्ड बोथ एक्सट्रीमिटीज़, यानी दोनों साइड से वो टैपर्ड होते हैं, ऑफन कंसील्ड इन दी होस्ट फॉलियोज, एग्जाम्पल राइस स्किपर्स, ठीक है। तो ये हमने लैपिडॉप्टेरा के कंप्लीट तीनों फैमिलीज के बारे में डिस्कस कर लिया, यानी तीनों जो बटरफ्लाई फैमिलीज, मॉथ फैमिलीज एंड स्किपर फैमिलीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और किसी को भी कुछ दिक्कत है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आप साथ साथ हमसे टेलीग्राम चैनल में जुड़ो, जहाँ पर आपको हर लेक्चर की PDF, कुछ भी MCQ होता है, कुछ भी डाउट होता है आप वहाँ ही पूछ सकते हो। थर्ड थिंग कि आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो, जहाँ पे आपको हर अपडेट मिल जाएगी, और साथ साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पे हमारे डिफरेंट MCQs को भी अटेम्प्ट कर सकते हो जो हम वहाँ पे डेली अपडेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। अगर किसी को भी इस लेक्चर PDF चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।